मौन कला की मल्लिका मेरे रंगों का कोई हिसाब नहीं। उमंग की सभी स्त्रियों को ऋषि श्रीवास्तव का प्यार है, बचपन ऐसा टॉपिक दिया है लेखक जी, यादें इतनी भी खत्म ही नहीं हो रही, लिखने जो बैठी तो कलम ही नहीं रुक रहा है, और बचपन की यादें वो तो कलम के साथ कदम तय कर ही नहीं पा रही है, चार गुनी रफ्तार से याद आती ही जा रही है, कभी हंसा रही है, कभी रुला रही है, कभी शैतानियां याद दिला रही है, कभी नादानियां याद दिला रही है, कभी शर्माकर पिताकर दूध बुदा भी रही है, बहुत याद आ रही है बचपन की रौनक, रोज मम्मी का नई नई फ्रॉक सिलकर मुझे पहनाना, पूरी की पूरी तनख्वाह फाड़ देने पर भी पापा का मुस्कुराकर गले लगाना, घर में भाई बहनों से आइस पाइस खेलना, मम्मी का छोटे भाई को पल्लू में छिपाना, आंखों के इशारे से हमें बताना कि यहाँ है भाई, और उसके बाद कहना नहीं नहीं कहीं और जाओ, बहुत याद आ रहा है ये सब। हमारे घर एक फेरी वाला आता था साड़ियाँ लेकर, साड़ी वाले के घर आने पर मैं मम्मी की मॉडल बन जाती, साड़ी पहन कर मम्मी को ले जाती, फिर खुद ही शर्मा जाती, बहुत याद आ रहा है वो बचपन का की रौनक, वो पापा का ऑफिस से आना, हम सब का खुशी से चहक जाना, बीमार हो जाने पर मम्मी का रात रात भर जागना, जरा सी चोट लगने पर पापा का गोद में उठाकर डॉक्टर के घर भागना, बहुत याद आ रही है वो बचपन की रौनक, वो नादानियाँ, वो मासूमियत भरी शैतानियाँ, छोटू का क्रिकेट बैट, भैया का शोल्डरिंग आयरन, नाना जी की आइसक्रीम, चाचा का दिल्ली टूर, भाई के गाने और मेरी प्यारी सी पगली सफाई पसंद बहन का पोंछे के पीछे हम सबको चिल्लाना, फिर हमारे रूप जाने पर बेसन का खोपा और रबड़ी बनाकर हमें मनाना, जरा सी बात पर हलवा बनाकर जश्न, हलवा बनाकर आटे का हलवा बनाकर हम लोगों का जश्न मनाना, बहुत याद आ रहा है वो बचपन, नानी के घर जाना, मामी की साड़ी पहनकर मोटे गुल्लों की शादी में जाना, मौसी और मामा से मेले जाना, फिर बड़े बड़े झूलों के लिए मचल जाना, घर के आंगन में बुट्टे लूडो कैरम इक्का दुक्का खेलना, सहेलियों पर शख्स के संग सड़क पर खो खो गिट्टी को खेलना, ओ बहुत याद आ रहा है ये बचपन, बागों में जाकर पत्थर से आम तोड़ना, अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खिलाना, वो परात में पानी भरकर दिया रखकर जहाज चलाना, घर घर जाकर जन्माष्टमी की झांकी देखना, प्रसाद की पंजीरी खाकर भूखा जी बोलना, मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज की नाव बनाना, पतंग उड़ाना, टायर चलाना, गिल्ली डंडा खेलना, बारिश में छत पर नहाना, खूब शोर मचाना, सब तरीके का बचपन जी लिया, चिड़िया और मंदिर खेलना, और फिर गलती होने पर जोर से झपट लगाना, पड़ोसियों से भी रिश्ते ऐसे कि उन्हें भी दिल से चाची नानी ताई बुआ मौसी मामा कहकर गले लगाने, लास्ट में बस इतना ही कहूंगी, काश मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में हमारे बच्चों ने भी कुछ ऐसा ही बचपन किया।